हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक नया वीडियो के साथ स्वागत है आपको अपना चैनल स्मार्ट टेक में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। बस आपके काम यह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, आई होप आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो और सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि आप व्हाट्सएप में जिस भी मीडिया फाइल को सेंड करते हो उसका क्वालिटी लो हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सेटिंग है जो कि आपको अच्छा क्वालिटी के साथ मीडिया फाइल सेंड करने के लिए हेल्प करेगा। जी हाँ, कुछ सेटिंग है जो कि आपको अच्छा क्वालिटी के साथ मीडिया फाइल को सेंड करने के लिए हेल्प करेगा। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आपको उसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरा मोबाइल होम स्क्रीन पर आ चुका हूं। आपको दिख रहा होगा, आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करना है। उसके बाद आपको ये राइट साइड कॉर्नर पे एक 3 डॉट दिख रहा होगा, उसी पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेटिंग पर जाइए। यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड डाटा वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ़ोटो अपलोड क्वालिटी का, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका टिक मार्क ऑटो रिकमेंडेड वाला ऑप्शन पर होगा, उसको बेस्ट क्वालिटी को ले आना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए और बैक चले आइए। दोस्तों, इसी सेटिंग को करने के बाद आप मीडिया फाइल को अच्छे क्वालिटी के साथ शेयर कर सकते हो। और आपको एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आप किसी भी एक चैट को ओपन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल का फाइल ओपन हो जाएगा, उसमें से आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप किसी भी मीडिया फाइल को अच्छी क्वालिटी के साथ शेयर कर पाओगे व्हाट्सएप में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। Peace.